अजमेर में बीती रात को एक ट्रेन हादसा हो गया। वहां पर मदार रेलवे स्टेशन पर पहले साबरमती एक्सप्रेस ट्रैक पर खड़ी हुई मालगाड़ी ट्रेन को टक्कर मार देती है। इस अगर के बाद से वहां पर अफरा तफरी मच गई। साबरमती एक्सप्रेस के यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस ट्रेन की चार बोगियां पटरी से उतर गई। गनीमत रही कि किसी यात्री को चोट नहीं आई। साबरमती एक्सप्रेस दिल्ली कैंट जा रही थी। कोलकाता में एक निर्माणाधीन इमारत ढहने से मलबे में दबकर दो लोगों की मौत हो गई। गार्डन रीच इलाके में यह हादसा हुआ है। देर रात यह निर्माणाधीन इमारत जमींदोज हुए। खबर मिलते ही फौरन रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। मलबे से लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक मलबे में दबकर दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोगों को मलबे से निकालकर उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। वहीं पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला। खबर मिली है कि इमारत को अवैध तरीके से बनाया जा रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आज पेश होने के लिए समन भेजा है। यह मामला दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले से जुड़ा हुआ है। यह 38 करोड़ से ज्यादा की रकम का मामला है और ईडी ने समन भेजकर केजरीवाल को कहा कि वो जांच एजेंसी के ऑफिस में पहुंचकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपना बयान दर्ज करवाएं। केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी ने समन जारी किया हुआ है और 21 मार्च को पेशी के लिए बुलाया। दूसरे मामले में अब तक 8 समन पर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। ईडी के लगातार समन पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ऐसा केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुना सकता है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ फैसला सुनाने वाली है। सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर 6 हफ्ते के लिए मोहलत दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी दक्षिण के राज्यों में अपना चुनावी अभियान चलाएंगे। आज वो तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करेंगे और सबसे पहले सुबह 11:30 बजे वो तेलंगाना के जगतियाल में रैली करेंगे। उनकी दूसरी रैली कर्नाटक के शिवमोगा में 3:15 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं शाम को वो तमिलनाडु पहुंचेंगे। कोयम्बटूर में 6:45 बजे प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। मिशन 400+ को साधने की कोशिश करेंगे। अभी एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश के पलनाडु में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एनडीए की रैली की, जिसमें चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण भी पहुंचे। इस मंच से प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। खासकर उन्होंने कांग्रेस को टारगेट किया। आरोप लगाया कि कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों का यूज एंड थ्रो। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आंध्र प्रदेश का अपमान किया। उन्होंने मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी पर भी निशाना साधा और कहा कि वाईएसआरसीपी और कांग्रेस दोनों एक ही है। लगे हाथ उन्होंने 4 जून की याद भी दिलाई। में हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। आज कांग्रेस को भले ही मजबूरी में इंडी एलायंस बनाना पड़ा हो, लेकिन इनकी सोच वही है। कोटप कोंडा से ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। पीएम के निशाने पर कांग्रेस थी तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निशाने पर पीएम मोदी। मौका मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन का था। इस मौके पर एकजुटता प्रदर्शन के लिए विपक्षी दलों के कई बड़े नेता राहुल गांधी की इस रैली में पहुंचे और सभी ने एक आवाज में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। राजा की आत्मा ईवीएम में है, सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है,
हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। यहाँ बिहार के लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं, हम रउआ लोग इनके भी कहते नहीं, बच के रहिया भाजपा के लोग से, इन लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देता है, इतना झूठ बोलते हैं। हम तो पहले भी कई बार कहे, मोदी जी प्रधानमंत्री है ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो झूठ बोलने के फैक्ट्री भी है, मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है, ये उनका काम है। क्योंकि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, आपके हाथ में से आपका वोट छीनना चाहते हैं, ताकि जिस वक्त आप लोग जाग जाओ, आप इनको बाहर करना चाहो, आपके वोट में वो ताकत नहीं रहेगी। इस भारत को बचाना है, इस भारत को सबके लिए रखना है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जो भी है वो भारतीय है, भारतीय है, भारतीय है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोक रहे हैं, लेकिन बिहार को लेकर दोनों ही गठबंधन अभी तक सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बना सके हैं। इसे लेकर आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं, शाम को वो पटना से दिल्ली पहुंचेंगे और ये माना जा रहा है कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि मंगलवार को सीटों के बंटवारे पर मुहर लग सकती है। वहीं बिहार में सीट बंटवारे का सिरदर्द महागठबंधन भी झेल रहा है। महागठबंधन ने भी अभी तक सीटों के तालमेल पर कोई ऐलान नहीं किया है। इसे लेकर आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के नेता शामिल होंगे। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हो सकती है। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सांसद संजय यादव और सांसद मनोज शामिल होंगे, जबकि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। लेफ्ट के नेता भी इसमें भाग लेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति बनने की उम्मीद है। सूत्र बताते हैं कि आरजेडी 28 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं, कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा 9 सीटें मिल सकते हैं। लेफ्ट के पाले में 3 सीट होंगे। पहले आरजेडी 30 सीटों पर अड़ी थी, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से बातचीत के बाद 2 ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, लेकिन खबर है कि कुछ विधायक बीजेपी के इस विस्तार से नाराज हैं। उनकी नाराजगी है कि मंत्रिमंडल विस्तार में विधायकों से ज्यादा तवज्जो एमएलसी को दी गई। बीजेपी विधायक राजू सिंह के आवास पर बीजेपी के कई विधायक इस बिना पार्टी में शामिल हुए, जिसमें ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, मिश्रलाल यादव समेत कई विधायक पहुंचे। उन्होंने आज तक से खास बातचीत में यह माना कि कैबिनेट विस्तार को लेकर कुछ विधायक नाराज हैं। जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें और लोगों को मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए था। हाँ। इससे ये तो मतलब मिला ही चाहिए था। मंत्रिमंडल के विस्तार में और लोगों को मौका मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला है, इसके लिए मतलब जनमानस में चर्चा का विषय बना हुआ है, और तो नहीं कुछ है। अब खबर हाल ही में लागू हुए नागरिकता कानून की, बिहार में किसी भी कीमत पर सीएए लागू नहीं होगा। और ये बयान है बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के एक एमएलसी खालिद अनवर का। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का भी हवाला दिया और कहा कि उनके रहते बिहार में ये कानून कतई लागू नहीं हो सकता। ये लागू नहीं होगा और बिहार के नेता श्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि बिहार के जो 13 करोड़ लोग हैं, 13 करोड़ जनता है, वो सब बिहारी है और न यहाँ एनपीआर की जरूरत है, न एनआरसी की जरूरत है, न सीए की जरूरत है। इसलिए लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई। महादेव बेटिंग ऐप केस में भूपेश बघेल समेत 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और इसे लेकर अब सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। ये भी आखिर महादेव ऐप है, इसको बंद क्यों नहीं करती, जबकि डबल इंजन की सरकार है, क्यों बंद नहीं कर रहे हैं? 4 महीने हो गए सरकार बने, यहाँ न दिल्ली सरकार बंद कर रही है, न राज्य सरकार बंद कर रही है। तो जो कार्रवाई हम लोगों ने किया है, तो शंका यही है कि पूरे देश में हमने कार्रवाई की, इस कारण से मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ है। महादेव ऐप में क्या क्या हुआ है
बच्चा बच्चा जानता है, ये तो दुर्ग भिलाई है, यहाँ के तो सभी लोग जानते हैं कैसे कैसे विषय हुए हैं, सब लोग जानते हैं। हवाई जहाज से नागपुर से मैंने सारे बाराती गए हैं, सब जानते हैं। न्यायपूर्ण होगा जो कुछ होगा, न्याय के आधार पर होगा जो कुछ होगा, कानून सबके लिए बराबर है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने चुनावी अभियान शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में वो अपने चुनावी क्षेत्र उत्तरी दमदम में पहुंचे, जहां पर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट का बल्ला थामा और उसके बाद ग्राउंड में फुटबॉल भी खेला। समर्थकों की मौजूदगी में उन्होंने इस बार जिताने की अपील की। कल बरसाना में प्रसिद्ध लठमार होली से पहले लड्डू होली का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ इतनी मुश्किल से काबू, जब भीड़ बेकाबू हुई उसको काबू करना बड़ा मुश्किल हो गया। हालात वहां पर ऐसे हो गए कि मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई, धक्का मुक्की शुरू हो गई, कई श्रद्धालु इस अफरा तफरी में जख्मी भी हो गए। मंदिर में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया क्योंकि भीड़ वहां पर बहुत बड़ी संख्या में पहुंची थी और फिर वो बेकाबू हो गई। पुलिस के लिए भी स्थिति पर नियंत्रण करना मुश्किल हो गया और यही वजह है कि कई श्रद्धालु इस दौरान जख्मी हो गए, तो रंग में भंग उस समय पड़ा। सांपों के जहर मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में एल्विश को पेश किया गया, जहां पर अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एल्विश पर पार्टी में सांपों के जहर के इस्तेमाल का आरोप है। नोएडा पुलिस ने 2 नवंबर 2023 को नोएडा के ही सेक्टर 51 से 5 लोगों को अरेस्ट किया था और उनमें 20 ml सांपों का उनसे जहर बरामद हुआ था। 5 कोबरा, 1 अजगर समेत 9 सांप इसमें बरामद हुए थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि सांपों के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टी में किया जाता था और इसी मामले में एल्विश यादव आरोपी हैं। अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों से मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह बताया जा रहा है कि नमाज पढ़ने को लेकर कुछ उपद्रवियों ने हॉस्टल में घुसकर अफगानी छात्रों को पीटा था। 16 के रहने वाले हितेश मेवाड़ा और वस्त्राल के भरत पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई के लिए दोनों ही युवकों को क्राइम ब्रांच ने गुजरात यूनिवर्सिटी पुलिस को सौंप दिया है। डीसीपी के मुताबिक आरोपियों को पकड़ने के लिए नौ टीमें गठित की गई हैं और इस मामले में 25 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।